मध्य प्रदेश राज्य सफाई कर्मचारी आयोग कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त प्रताप करोसिया ने गुरुवार को मुख्यालय पहुंचे, जहां सर्किट हाउस में सफाई कर्मचारियों ने उनका जमकर स्वागत किया और आ रही समस्याओं का ज्ञापन भी सौंपा है। करोसिया ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिले के अधिकारियों और सफाई कर्मचारियों की बैठक ली, जिसमें विभिन्न विभागों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी, संविदा आउटसोर्स सफाई कर्मचारियों के वेतन, अनुकंपा, ग्रेजुएटी, पुनर्वास व शासन के नियम व निर्देशों के तहत सफाई कर्मचारियों की मृत्यु होने, बीमार होने या अपंगता होने के कारण उनके परिवार के सदस्यों को नौकरी पर रखने पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारियों का EPF एवं NPS समय पर काटा जाए व उन्हें इसका लाभ दिया जाए। जिन कर्मचारियों के 10 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं उन्हें स्थायी करने की कार्यवाही की जाए, साथ ही सभी विभागों में रिक्त पदों को भरा जाए। इसके साथ ही सफाई कर्मचारियों को प्रत्येक माह 1 तारीख से 5 तारीख तक के बीच समय पर वेतन दिया जाए। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि आउटसोर्स कर्मचारियों को शासन द्वारा जो दर निर्धारित किया गया है उन्हें उसी दर के आधार पर वेतन दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। आज खरगोन जिले में सफाई कर्मचारियों के हित संरक्षणों को ध्यान में रखते हुए उनकी ज्वलंत समस्याओं को लेकर आज जो मांग पत्र सफाई कर्मचारियों के संगठनों से पिछले महा मेरे पास जो आए थे, आज उन्हीं समस्याओं को लेकर खरगोन कलेक्ट्रेट में शासकीय बैठक रखी गई है। इस बैठक में पुलिस, अस्पताल विभाग, नगरी निकाय, आदिम जाति अनुसूचित जाति कल्याण विभाग और जिला पंचायत ऐसे अन्य विभागों को के अधिकारियों को बैठक में बुलाया गया है। बैठक में जो सफाई कर्मचारी उनको जैसे नगरी निकाय और अन्य जगह जो ठेके चल रहे हैं, तो एक समस्या यह है कि ठेकेदारी प्रथा जो है वो समाप्त कर दी है और संविदा पे भर्ती के नियम लागू हुए हैं, लेकिन कई नगरी निकाय और कई जगहों पर ठेकेदारी प्रथा चल रही है, जिसमें द्वारा मुझे जो शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि ठेकेदार इनको 8 घंटे काम कराने के बाद कलेक्टर रेट के भुगतान नहीं करते हैं। यदि ऐसे मामले प्रकाश में आए तो ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दूसरा, जो सफाई कर्मचारी वर्षों से काम कर रहे हैं, शासन निर्देश है कि ऐसे सफाई कर्मचारी जो 2007 तक अपने दैनिक वेतन भोगी के रूप में 10 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं अपनी सेवाओं के, उनको रिक्त पदों पर स्थायी करना है, लेकिन अनेकों नगरी निकायों में उनका शासन के दिशा निर्देशों का पालन नहीं हुआ और आज तक जो 25-25-30 साल से सफाई कर्मचारी जो दैनिक वेतन पर काम कर रहा है वो दैनिक वेतन से विनियमित पे ही है, उनको स्थायी नहीं किया गया है। इनके निर्देश सफाई कर्मचारियों का सिवरेज उपकरण, जैसे सिवरेज में सफाई के उपकरण, औजार उपकरण और EPF समय पर वेतन, ये तमाम जो समस्या, उनके आवास, उनका पुनर्वास, इन जो शासन और भारत सरकार ने और मध्य प्रदेश शासन ने अनेकों कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से सफाई कामगारों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए जो दिशा निर्देश है उनका परिपालन सही से हो, कड़ाई हो, जिस समय पे सफाई कर्मचारियों को न्याय मिले। इसी प्रकार अनुलंबित अनुकंपा नियुक्तियां हैं और भी कारण है, उनकी बस्तियों का विकास है, आवास, इन सफाई कामगारों को आवास उपलब्ध कराना, ऐसे तमाम विषयों पर आज शासकीय बैठक जिला कलेक्टर कार्यालय में रखी है और उसमें जो भी दिशा निर्देश होंगे शासन के अनुसार उसमें पालन कराएंगे। सफाई कामगारों का मामला काफी समस्या के लिए परेशान हो रहे हैं 4-6 महीने से, इसको लेकर आप देखिए भिकन गांव के CMO को, हमारे पास भिकन गांव के जो कर्मचारी थे उनका हमारे पास शिकायत आया कि 7 माह से काम करने के बाद भी सफाई कर्मचारियों को वेतन नहीं प्राप्त हुआ है। महिला कर्मचारी 2-3 बार भोपाल आई हैं और CMO भिकन गांव को हमने बुलाया भी था, लेकिन भिकन गांव के CMO का स्थानांतरण हो गया है।
अगर उन कर्मचारियों को उन्होंने काम किया है और उनको अगर समय पे वेतन नहीं दिया है तो आर्थिक अपराध में सीएमओ के विरुद्ध भी कार्रवाई हम करवाएंगे। और आज भीकन गांव और सभी पूरा जिले के हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।